दोस्तों आजकल के समय में हम सभी लोग इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर के ऊपर काम ही नहीं कर पाते हैं। लगातार तैलीय चीज़ों का सेवन करते हैं जिससे हमारा शरीर दिन पर दिन खराब होता जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आप कोई भी काम करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं तो आपका शरीर इस सभी चीज़ों का इस्तेमाल करने से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा। आप किसी भी काम को करेंगे तो जल्दी थकान नहीं होगा। तो बहुत ही अद्भुत होम रेमेडी है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए जानते हैं आपको कौन कौन से चीज़ों का प्रयोग करना है, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए और किस तरह से आपको इसका सेवन करना है। तो सबसे पहले आप ले लीजिए एक खाली कटोरी और इसमें आपको पहला चीज़ लेना है एक गिलास पानी, और आपको यहाँ पर लेना है आधा मुट्ठी के बराबर मूंग। मूंग हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर कैल्शियम प्रोटीन के साथ साथ बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जिनसे हमारे शरीर के अंदर खून की कमी दूर होती है। तो आप यहाँ पर आधा मुट्ठी मूंग को ले लीजिए और पानी में डाल दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा चीज़ लेना है, ये दोस्तों चना। आपको यहाँ पर काला वाला चना लेना है और वो भी छोटे दानों वाला आधा मुट्ठी। इसके बाद आपको यहाँ पर इसमें तीसरा चीज़ लेना है, ये दोस्तों किशमिश के दानों को, 5 से 7 आप यहाँ पर किशमिश के दानों को इसमें डाल दीजिए। याद रखेंगे आपको इन सभी चीज़ों को बहुत ही साफ करके तब पानी में डालना है, क्योंकि आपको अगली सुबह इस पानी का भी सेवन करना है। इसके बाद आपको अगली सुबह इस पानी को भी पी लेना है। उसके बाद जितने भी चीज़ों को हमने भिगोया हुआ है उसको सुबह 10 ग्राम गुड़ के साथ खा लेना है। लगातार करते रहिए, देखेंगे आपके शरीर के अंदर कमजोरी नहीं रहेगा, साथ ही आपके बाल भी नहीं झड़ेंगे, चेहरे पर चमक रहेगी, कब्ज भी नहीं रहेगा। इसके साथ साथ ये आपके शरीर को फुर्तीला भी बना देगा। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। जानकारी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम आपसे जल्दी जुड़ते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।